एडवेंचर कॉमेडी अपकमिंग फिल्म वेलकम टू द जंगल को लेकर तीन सवाल ना बड़े सता रहे हैं। एक तो अहमद खान इसे कैसे डायरेक्ट करेंगे, दूसरा फरहाद सामजी ने ऐसी कौन सा स्क्रिप्ट लिखी होगी और 100 करोड़ के बजट में 24 स्टार्स को कैसे मैनेज किया गया होगा। ये लोग पैसे भी ले रहे हैं या फिर इसमें भी कोई कॉमेडी है। वैसे हम बार बार ना एक लाइन को हमेशा हाईलाइट करते हैं कि साल 2024 में आने वाली ये फिल्म हो या फिर इसके साथ साथ आने वाली बाकी फिल्में हो, अक्षय के लिए ये साल गेम चेंजर साबित हो सकता है। वैसे दिशा पाटनी के लिए भी ना ये साल बड़ा गजब का हो सकता है, क्योंकि वो इस फिल्म के साथ साथ कल की 2898 एडी, योद्धा, कांगो जैसी फिल्मों में नजर आने वाली है। अब दिशा पाटनी वेलकम टू द जंगल में क्या करेगी ये नहीं पता, पर अक्षय क्या करेंगे ये तो हमें पता है। भले ही फिल्म में 24 सितारे हो, पर कॉमेडी करने की बड़ी जिम्मेदारी तो भाई अक्षय के कंधों पर ही होगी ना, क्योंकि वो कॉमेडी के बिना खिलाड़ी है। वैसे अक्षय के फैन अक्षय और फिल्म के साथ जुड़ी रवीना टंडन का जबरदस्त गाना और केमिस्ट्री देखना चाहते हैं, जिसके तहत उन्होंने फिल्म का पोटेंशियल भी बढ़ा दिया है और अब फिल्म 300 से 330 करोड़ तो कमा सकती है ऐसा कहा गया है। बस रवीना अक्षय एक साथ दिखाई देंगे या फिर नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, पर टिप टिप बरसा पाने की उम्मीद तो आप मत ही करो। वैसे अक्षय के लिए वेलकम टू द जंगल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत एक्शन भी है और साथ साथ में कॉमेडी भी है, तो अक्षय यहाँ पर तो कमाल के हो ही सकते हैं। साथ ही इस साल वो बॉलीवुड के सेकेंड एक्टर बन सकते हैं जो अपनी इस फिल्म के जरिए मौके पर चौका मार सकते हैं, जैसे शाहरुख खान ने मारा था। शाहरुख खान ने 2023 में 3 जबरदस्त फिल्में दी थी, जिसमें से एक है पठान, दूसरी है जवान और तीसरी है डंकी। पठान ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 543 करोड़ का बिजनेस किया, जवान ने 716 करोड़ का और डंकी ने 212 करोड़ का, यानी टोटल 1471 करोड़ का बिजनेस हुआ था। अब अक्षय की फिल्म वेलकम टू जंगल जो कि 300 करोड़ का पोटेंशियल रखती है, इसके साथ साथ बड़े मियां छोटे मियां भी 300 करोड़ के साथ चल पाई। साथ ही उनकी फिल्म स्काई फोर्स जो कि 100 करोड़ का पोटेंशियल तो रखती ही है, तो ऐसे में सिर्फ 700 करोड़ का ही बिजनेस नजर आता है हमें तो। अगर इसमें हाउसफुल 5 भी शामिल होती है जो कि 2025 में रिलीज होने वाली है, तो ये आंकड़ा डेफिनेटली 1200 करोड़ से भी ऊपर चला जाता। पर वेलकम टू द जंगल और बड़े मियां छोटे मियां से भी ना ज्यादा कमाई करने की स्कोप है। अगर ऐसा हो पाया तो 2024 में अक्षय तो कामयाब हो ही जाएंगे, प्लस वो दूसरे ऐसे बॉलीवुड स्टार होंगे जो एक साल में 1000 करोड़ का बिजनेस कर लेंगे। वैसे आपका इन सब पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।